हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खेलो हरियाणा जैसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाली हॉकी की टीम को 2 लाख, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 1.5 लाख तथा तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। इस राशि को सीधा खिलाड़ियों के बैंक खातों में जमा करवाया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को देर सायं शाहबाद हॉकी खेल प्रांगण में खेलो हरियाणा की राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में अपनी बात रखी। इससे पहले खेल मंत्री संदीप सिंह, लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह, उप निदेशक सुनीता दलाल, DSO बलबीर सिंह ने हॉकी के मैचों को देखा और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पहली बार किसी खेल मंत्री ने हॉकी के सभी मैचों को देखा और निरंतर खिलाड़ियों की व्यवस्था पर नजर रखी और फीडबैक ली। इस दौरान खेल मंत्री ने हॉकी की महिला एवं पुरुष टीमों को भी सम्मानित किया। देखिए, दादा ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग खेलो हरियाणा करवा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि खेलो इंडिया जो है इस बार हरियाणा में हो रहा है और आज इसका समापन समारोह है। और आज शाहबाद में मैं एसओ टफ के ऊपर फाइनल्स अभी ख़त्म हुए हैं लड़कियों के, और लड़कों के भी फाइनल्स होने हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि दादा ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर हम ये 20 गेमों का आयोजन करवा रहे हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो बदलाव किया है स्टेट लेवल के ऊपर, चाहे वो रहने का हो, खाने का हो, और इसमें चाहे हम देखें कि 125 रुपये डाइट होती थी जब मैंने ये मंत्रालय संभाला, तो आज 400 रुपये डाइट आपको ट्रैक सूट का 400 रुपये होते थे, अब 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये 2.5 गुना ज़्यादा, ये सिर्फ एक छोटा सा नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनविजिबली तरीके से कर रहे हैं। ये अब आज की डेट में कहते हैं जितना ढोल बजाओगे उतना ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी खुद मुंह से बोले। तो आज यहाँ पर आयोजन जब सब ख़त्म हो रहा है, इसमें खिलाड़ियों को सम्मान कर रहे हैं, तो मैंने खुद अपने फर्स्ट टीम को 2 लाख रुपये बॉयज़ में और गर्ल्स में भी, और सेकंड टीम को 1.5 लाख रुपये पूरी टीम को, और थर्ड टीम को 1 लाख रुपये, जो आज तक मैं भी खेलता रहा हूँ और मेरे बाद भी आज तक के जो खिलाड़ी आए हैं स्टेट के ऐसे टूर्नामेंटों में कभी किसी ने नहीं दिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पैसे तो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इनको आगे बढ़ाना, बूस्ट करना, मनोबल इनका ऊपर उठाना, वो बहुत ज़रूरी है। हमें सबको राजनीति छोड़कर, हर चीज़ छोड़कर खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो आज हमारे पास इंडिया के पास 7 मेडल हैं, ये डबल टैली पर हों, डबल से 50 पहुँचे, 50 से 100 पहुँचे, तभी पहुँचे कि जब हम ग्रास रूट के ऊपर अच्छा काम करें। खाने को लेकर भी आपने रात को निरीक्षण किया था खिलाड़ियों के लिए, उसमें कोई कमी? खाना देखिए, जब तक खिलाड़ी भर पेट भोजन नहीं खाएगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये खाना, अच्छी नींद नहीं आएगी तो सोना जहाँ पर रहते हैं, और अच्छे ट्रैवल हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, ये सारी चीज़ें एक खिलाड़ी का पहलू होते हैं, तो ये पहलू बहुत ज़रूरी हैं। आपकी किट अच्छी हो, आपको अच्छी कोचिंग मिले, ये हमारा पहल रहेगी और हरियाणा में हम इस चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। सच कहूँ के लिए जसविंदर सिंह राज की रिपोर्ट।